अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों आज हम हिन्ना का स्टेन डार्क करने के लिए एक छोटा सा सीक्रेट टिप देखेंगे। यस, इसके लिए हमें चाहिए होगा गुड़, यानी जो जैगरी कहते हैं, उसके एक छोटे से दो पीसेस। उसके साथ साथ हमें चाहिए होगा 2 स्पून शुगर और 2 स्पून टी पाउडर। सबसे पहले इस तरह का स्टील का या सिल्वर का जो भी थोड़ा चौड़ा साइज वाला बाउल ले लेंगे बीच में रखने के लिए, यानी बेस के नीचे कौन सा भी एक छोटा सा दिया या कौन सा भी स्टैंड रख दीजिए और साइडों से इस तरह टी पाउडर और शुगर डाल दीजिए। ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं चाहिए हमें, बस 2-2 स्पून, यानी शुगर भी 2 स्पून लीजिएगा, टी पाउडर भी 2 ही स्पून ले लीजिएगा। इस तरह साइडों से डाल दीजिए। और हाँ, जो मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है गुड़, इसको हम आज साइडों से नहीं डालेंगे, जो सेंटर में बाउल होता है उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो ये है सेटिंग। अब चलते हैं हम किचन रूम में। तो ये देखें, बेस के लिए मैंने कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा जो दिया होता है उसको मैंने रिवर्स करके रखा। अगर आपके पास नहीं है तो कौन से भी एक छोटे से प्लेट को रिवर्स करके उसके ऊपर ये छोटी सी बाउल रख दीजिए। और देखें, ऊपर से मैंने कवर कर दिया है कढ़ाई, इसके अंदर हाफ कढ़ाई पानी से फिल करके। यस, जस्ट 10 मिनट्स के बाद ये देखें, हमारे सेंटर वाले बॉल में बहुत ही बेहतरीन अरक आया हुआ है। ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। आज हम इसको यूज करके हिन्ना रेसिपी बनाएंगे। पर सबसे पहले देखें, एक बार इसको सिंपल से क्लीन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ही नहीं डाले थे तो ज़्यादा चिपचिपाहट भी नहीं होगी। ये देखें, जो मैंने सेंटर में रखा था यही है वो। ये आपको मिट्टी के आइटम्स मिलते हैं, जैसे पानी के घड़े, उनके पास मिल जाएंगे, यानि दिया कैंडल्स लगाने के लिए यूज किया जाता है वो है। और ये देखें मिक्सचर, जो भरपूर से जल गया और बहुत ही इजी से निकल भी गया। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं हिन्ना रेसिपी के तरफ। तो ये देखें, बहुत ही गाढ़ेपन में बहुत ही डार्क कलर का अरक निकला हुआ है। सबसे पहले हम लेंगे हिन्ना पाउडर। मैं यहाँ पर 3 स्पून हिन्ना पाउडर ले रही हूँ। इसके अंदर हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये है जो अरक हमने प्रिपेयर किया हुआ था 1 स्पून, और हम डायरेक्ट पानी से ही पेस्ट बनाएंगे। हाँ दोस्तों, हमें कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स, कौन से भी दूसरे ऑयल्स, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने सीक्रेट बनाया था, थोड़ा सा अरक बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करेगा। इसको हम सेट होने के लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे इस तरह कवर करें, या कौन सा भी एक लिड कवर करके रख दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको अप्लाई करके। यस, 3 घंटों के बाद। आप लोग कह रहे थे कि क्या कवर से ही कवर करना होता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, कौन सा भी एक लिड बट हमारे बॉल पे परफेक्ट बैठ जाना चाहिए, उस तरह का लिड देख के इसको सेट करके रख दीजिएगा। अब देखें इस पोजीशन पर पेस्ट, अगर आप लोगों को थोड़ा टाइट दिखा तो आप अपने हिसाब से, ज़्यादा लूज नहीं और ज़्यादा टाइट नहीं, पेस्ट की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द ईद आने वाली है। बहुत सारों की ये प्रॉब्लम होती है कि नीलगिरी ऑयल नहीं मिल रहा है, हिन्ना का स्टेन डार्क आने के लिए ये ऑयल वो ऑयल, हम इस मेथड उस मेथड। तो आप लोग सिर्फ इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, हमें कुछ ऐड करना नहीं होता। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करेगी। ये देखें, रिमूव करके भी बता देती हूँ मैं आपको, ड्राई होने के बाद देखें कितना बेहतरीन इसका स्टेन आया हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना मत भूले। अल्लाह हाफिज़।